दर्शकों को संबोधित किया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी वॉलंटियर हैं वो स्टेज के पीछे आ जाएं। कृष्णा कुमारी यादव जी और उनके साथ शुएब आलम जी, वो घर से आलमगीर तूफानी जी के घर से निकल चुके हैं, कुछ ही देर बाद स्टेज पर वो पहुंच जाएंगे। और आप हजरात से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाएंगे, मुशायरे को मुशायरे की तरह सुनेंगे। ये गंगा तहन जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल होती है मुशायरा। मुशायरा जो कि गंगा तहजनी जमनी तहजीब हिंदुस्तान के खत्म होता जा रहा है, आरजेडी और फ्रेंड्स ऑफ तजस्बी उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और बात इस जरूरत की है, इस बात की जरूरत है कि सब लोग यहां पे मिलकर के मुशायरा को निश्चित रूप से आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो मुशायरा कामयाब होगा। सारी शायरा हजरात यहां पर मौजूद हैं, शायरा हमारे जो शंकर कैमूरी जी भी यहां पे मौजूद हैं, और हमारे कुछ हजरात जो हैं, एक चीज मैं बता दूं, इस प्रोग्राम को जो सबसे ज्यादा सफल बनाने वाले हजरात हैं उनका नाम लेना मैं नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि वही है इस कार्यक्रम के कर्ता घर्ता। सबसे पहले तो बरकत अली का, युवा राजद नेता बरकत अली का नाम आता है, उसके बाद आलमगीर तूफानी को कौन नहीं जानता, वो मैं समझता हूँ सिमरू बख्तियारपुर के कौम के बेहतरीन रहबर उठ करके आ रहे हैं, और वो बेहतरीन नौजवान हैं, वो सामाजिक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आलमगीर तूफानी और बरकत अली की जोड़ी राजद को आगे लेकर जाने के लिए तैयार है और इसी कदम में आगे बढ़ रही है। मैं कुछ वक्त जरूर और आप लोग का, क्योंकि जो दो चार लोग और भी बाकी है और दो चार लोग आना भी बाकी है, क्योंकि ये राजद का कार्यक्रम है तो राजद के लोगों को तो मौका देना ही पड़ेगा, उनको तो आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं इसी कड़ी में कृष्णा यादव जी, मैं देख रहा हूं अरुण कुमार यादव जी, उनके साथ जफर आलम साहब और भी हमारे सारे नेता यहां पर उतने ताले से स्वागत करें, उनका तालियों से स्वागत करें। मैं फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी की तरफ से ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप इस कार्यक्रम में हमारा मान और सम्मान और सिमरी बख्तियारपुर के लाज को बढ़ाया है, गरिमा को गौरवान्वित किया है। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि अदर वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है कि अदर लोग को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि इतना जगह हमने नहीं बनाया है। और हिलाल अशरफ जी भी यहां पर मौजूद है, प्रमुख जो खड़गड़िया के प्रमुख चांद जी हैं, वो सा अध्यक्ष भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। खड़गड़िया के जो हैं प्रमुख सह अध्यक्ष हैं चांद जी, उनसी मैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी में मैं देख रहा हूँ सारे बड़े नेता अब थोड़ी ही देर के बाद, दो चार वक्ताओं के बाद मैं सुचारू रूप से कम शब्दों में आकर के आप अपना अपने दर्शकों को अपने अपने लोगों को जनता के बीच आकर के कुछ वक्त दें, पांच मिनट का वक्त लेकर के आप बताएंगे, क्योंकि मुशायरा का प्रोग्राम है। श्री कृष्णा कुमारी यादव जी से मेरी गुजारिश है कि आप अटैच पे आएंगे, माइक पे आएंगे। श्री कृष्णा कुमारी यादव जी से मेरी गुजारिश है कि आप माइक पे आएंगे और चंद मिनटों में आप जनता को संबोधित करेंगे। स्टेज पे तालियों से स्वागत करें, मैं फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी उनका स्वागत करते हैं, मैं फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी सहरसा जिला के प्रवक्ता उनका स्वागत करते हैं, और वो आएंगे स्टेज पर बैठने के। हेलो, उसके बाद हेलो मैं गुजारिश करूंगा सहरसा जिला के अध्यक्ष श्री जफर आलम जी से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आएंगे, उनके बाद सहरसा के विधायक अरुण कुमार यादव जी से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए, विनोद कुमार यादव जी से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए। इसी कड़ी में हेलो हेलो, हम लोगों के बीच इंजीनियर प्रभास जी पूर्व प्रत्याशी बिहारीगंज विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल, उनसे आग्रह कि आप मंच पर आए, क्योंकि हम लोग तो आप लोगों के सामने बहुत ही बच्चे हैं, कोई गोस्ताखी अगर कार्यक्रम के संचालन में हो तो आप बेटा और भाई समझ करके माफ कीजिएगा।
के अभिभावक पिता तुल्य अरुण कुमार यादव जी, सदर विधायक सहरसा, हम लोगों की बड़ी बहन माँ समान, क्या बोले, खगड़िया के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती कृष्णा कुमारी जी करेंगी। सचिव जियाउल साहब मंच पर आए, सचिव जियाउल साहब मंच पर आए। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई कारी सोहेल साहब आप लोग के बीच अब आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। जी नहीं, खड़ा होते हैं। नरेश निर्मला जी वार्ड पार्षद आएंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कम से कम कीजिए ताकि पटना तक तालियों की गूंज जाए। फीता जो काटने का है संयुक्त रूप से कारी सोहेल साहब, श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव जी, हम लोगों के अभिभावक डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी, इंजीनियर प्रभास कुमार यादव जी, जफर आलम साहब, उद्घाटन विधिवत हो चुका है, बस 10 मिनटों का समय आप लोगों का लिया जाएगा।